एक और बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं तोशाम से। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर तोशाम से। रिवासा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। रिवासा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत की खबर। बाइक और कार की टक्कर होने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। 3 लोगों की मौत, पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर तोशाम से, सड़क हादसे से जुड़ी यह खबर पहुंचा रहे हैं। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। तोशाम रिवासा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, भयानक सड़क हादसा, इतना भयानक कि 3 लोगों की मौत हो गई इस दर्दनाक सड़क हादसे में। इस दुर्घटना में 3 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि बाइक और कार की टक्कर से ये दुर्घटना हुई। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ये जानने की कोशिश में है रफ्तार का कहर था या नशे में ड्राइविंग की जा रही थी या क्या और वजहें रही इस हादसे के पीछे और 3 लोगों की जान गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर तोशाम रिवासा मार्ग की वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये कितना जबरदस्त हादसा रहा, तस्वीरें गवाह हैं। बाइक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत की खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर तोशाम रिवासा मार्ग से आप तक पहुंचा रहे हैं। भीषण सड़क हादसा, इतना भयानक ये हादसा कि 3 लोगों की जान गई है इस सड़क दुर्घटना में। पुलिस के संज्ञान में मामला है, पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की तफ्तीश में भी पुलिस जुट गई है। ये जानना बेहद अहम है कि यह हादसा हुआ कैसे, किसकी गलती थी, नशे में गाड़ी चलाई जा रही थी या रफ्तार का कहर या फिर और क्या, पुलिस के हाथ क्या लगा है जान लेते हैं। तो शाम से हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए हैं। अमित बताइए। देखिए जी, जहां तक हादसे का सवाल है, अभी तक ये बोलिए बोलिए, जो गाड़ी का ड्राइवर था वो नशे में था या नहीं था, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना निश्चित है कि इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग थे, जिनमें से माँ और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, रोशनी व संजय। तो माँ बेटे थे ये, वह तीसरा 15 वर्षीय एक बालक था जिसकी अस्पताल पहुंचने के बाद मृत्यु हुई है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है और शवों को कब्जे में ले चुकी है और पुलिस इनको पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल अस्पताल ले जा रही है। हमें थोड़ा सा और विस्तार से बताएं, बाइक पर कौन कौन सवार था, ये लोग कहां से आ रहे थे, किस तरफ जा रहे थे, कार सवार कितने लोग थे और क्या एक ही दंपति के ये तीनों लोग हैं जिनकी मौत हुई है। आपने 15 साल के बच्चे का भी जिक्र किया, थोड़ा और विस्तार में बताइए। जहां तक इस हादसे का सवाल है, ये बाइक सवार लोग रिवासा गांव से तोशाम की तरफ आ रहे थे और गाड़ी चालक तोशाम से रिवासा की तरफ जा रहा था, तभी ये मार्ग में अचानक ये हादसा हुआ है। और जहां तक अभी तक जितनी जानकारी मिली है, ये जो 2 मृतक वयस्क हैं जिनमें एक महिला व एक पुरुष है, ये मां बेटे हैं दोनों रोशनी व संजय, तथा तीसरा बालक जो है अक्षय, उसका भी पता नहीं चल पाया ये उनका कोई रिश्तेदार है या कोई गांव का ही है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और निश्चित तौर पे क्योंकि तोशाम और भिवानी मार्ग पर निर्माण का कार्य चल रहा है, इसलिए बहुत से वाहन चालक आजकल रिवासा दिलोद होकर भिवानी जाते हैं और उसका शिकार हो गए। चलिए, ये मार्ग बदलने से शिकार होना हुआ या फिर रफ्तार का कहर या फिर और क्या, ये पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।